हाय वीवर्स, चलिए हम लोग अब टॉपिक वाइज क्लास करते हैं। हमारे टॉपिक वाइज क्लास करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यूट्यूब चैनल के बारे में पता ही चल रहा होगा और ऊपर में भी हेडिंग आ रहा होगा जिसमें मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस जब भी आएं आप लोगों को नोटिफाई हो जाएं और आप लोग बहुत से ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज ले सकें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक लाइन में मैंने ये बोल दिया, ये एक लाइन का वर्ड है भाई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, उसे शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट दूसरे लोगों तक पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आज का देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन के बीच डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन ये है। पर आप सोचो कि पहले हमें ये जानना होगा कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या है। तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन दोनों पॉल्यूटेंट जब ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में इंटर कर जाते हैं तो बायो एक्यूमुलेशन, वो प्रोसेस बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। जब पॉल्यूटेंट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब पॉल्यूटेंट हमारे फूड चेन में, ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में इंटर कर जाते हैं तो उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। फॉर्म कैसा होता है भाई? फॉर्म होता है इसका, पॉल्यूटेंट का फॉर्म है, मतलब एक केमिकल फॉर्म में जाता है। फॉर्म तो इसका केमिकल होता है, जितने भी केमिकल होते हैं जैसे लेड, मरकरी, जो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल हो ना हो फिर भी जो वाटर में हैं सॉल्युबल हैं, लेड और मरकरी, ये दोनों हैवी होते हैं, हैवी एलिमेंट है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि ये सब बहुत हैवी एलिमेंट होते हैं। तो ये जब भी फूड चेन में इंटर करते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आपने मम्मी लोगों से सुना होगा कि जब बुखार होता है तो हम थर्मामीटर लगाते हैं। हम जानते हैं कि थर्मामीटर में पारा होता है, मरकरी होता है, और ये मरक्यूरी हम लोग के मुंह में या फिर स्किन में कहीं भी टच होता है तो आप देखते हैं कि एक जलन जैसा फील होता है। तो जब हम इसे इनहेल करते हैं या फिर अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने से, इसका कंजम्पशन करने से हमारे अंदर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर इफ़ेक्ट करने लगता है, हमारे शरीर को जलाने लगता है। तो ये तो हो गए बायोलॉजी और केमिकल की केमिस्ट्री की बातें कि ये हमारे ऊपर क्या हानि पहुंचाता है। और एक और है पेस्टिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में भी ये हम लोगों के फूड चेन में इंटर करता है, हमारे ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेनिज्म के फूड चेन में इंटर करने के कारण ये हमारे लिए पॉल्यूटेंट है। ये हमारे शरीर को अंदर से, क्योंकि बाहर से नुकसान पहुंचाने वाले तो बहुत पॉल्यूटेंट है, पर अंदर से नुकसान पहुंचाने वाले जो पॉल्यूटेंट हमारे फूड चेन में लिए जाते हैं, इनटेक किए जाते हैं, वो किसी भी कारणवश वो उसमें इंटर कर गए तो वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करने लगते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो फूड चेन का जो पॉल्यूटेंट होता है, जो फूड चेन में इंटर करता है केमिकल और पेस्टिसाइड्स के रूप में, वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। बायो एक्यूमुलेशन हम समझ गए। अब हम समझते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। दोनों होते तो पॉल्यूटेंट ही हैं, मतलब पॉल्यूशन के ही रूप हैं। फूड चेन में ये इंटर, जब फूड चेन में पॉल्यूटेंट इंटर करता है तो बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और जब वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, यानी कि वो एक फूड, मतलब पहले स्पीसीज में, जैसे फूड चेन में हमने, फूड चेन की हमने बात की थी, तो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर वन होता है, फिर कंज्यूमर टू होता है, फिर कंज्यूमर थ्री होता है, इसी तरीके से जाते जाते ये क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक चला जाता है, क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक जाता है।
अब आप सोचो कि पोल्यूटेंट है, मैंने मतलब एक एग्जांपल है कि मरकरी है, मरकरी मरक्यूरी फिश, हमने एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल लिया, फिश में मरक्यूरी है, मरक्यूरी वाटर में सॉल्यू मतलब वाटर में मिलकर सॉल्यूबल होकर और फ्रेश वाटर या मरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर किसी भी इकोसिस्टम में वो इंटर कर जाए, किसी भी इकोसिस्टम में इंटर कर जाए, फिश के द्वारा वो इनहेल कर लिया जाए, क्योंकि मछली तो पानी में ही रहती है, चाहे आप उसके स्किन में मरकरी इफेक्ट करें या उसके अंदर मरकरी इफेक्ट करें, पर फिश के अंदर का जो भी कॉम्पोजिशन होता है वो मरकरी उतना ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं कर पाता है, मरकरी का फिश पे इफेक्ट नहीं होता है, पर फिश को जब उससे बड़ी फिश खाती हैं, बिग फिश उसको खाती हैं, तो उस पर उसका मरकरी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, मरकरी उसको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करती है, उसका सांद्रण उसमें ज़्यादा होने लगता है। अब इस फिश को अगर ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो ये ह्यूमन में और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा वो, क्योंकि सबके बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। हमने पढ़ा था कि बॉडी के बाहर और अंदर की ये में अंदर दो तरीके से इन्वायरमेंट होता है, एक आउटर इन्वायरमेंट होता है एक और इनर इन्वायरमेंट होता है, तो इनर इन्वायरमेंट सभी स्पीसीज के अलग अलग होते हैं, तो वो मरकरी किस स्पीसीज में किस तरीके से काम करेगा वो कहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जब जापान में एक मतलब आई थी महामारी जिसको हम लोग मीन माता कहते हैं, तो मीन माता एक महामारी फैली थी जापान में, तो ये मीन माता महामारी जो है वो फिश से ही, फिश में मरक्यूरी पाया गया, मरक्यूरी पाने से फिश में वो क्या हुआ कि ह्यूमन उसको कंज्यूम करने लगे और ह्यूमन में उसका कंसंट्रेशन मरक्यूरी का ज़्यादा होने लगा। फिश तो चलो भाई उसको जितना ली उसका इनर इन्वायरमेंट उसको कम ही कंसंट्रेट कर पाया, बाकी वो उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन उसके जब ह्यूमन ने इसे कंज्यूम किया लिया तो ये ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेट होने लगे और ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट होने लगे, ह्यूमन बॉडी पर उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इससे डेथ भी होने लगे। तो आप सोचो कि मर्क्यूरी, लेड ऐसे कितने सारे हैं जो वाटर में जाते हैं, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। आप सोचो कि फूड चेन में पॉल्यूटेंट इंटर करने का कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो हम पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं वाटर में, इसका वाटर के द्वारा ये फूड चेन में शामिल होता है, और वाटर में मर्क्यूरी लेड कहाँ से आएंगे, वो सारे इंडस्ट्री से आएंगे, इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर डाले जाते हैं वो, दूसरे क्या है, एक जो ब्लैक वाटर यानी कि सीवेज वाटर को ब्लैक वाटर भी बोला जाता है, ब्लैक वाटर भी रिवर वगैरह में ऐसे ही बिना अनट्रीटेड सीवेज वाटर छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेंट होता है और वाटर पॉल्यूटेंट के कारण बायो एक्यूमुलेशन होता है, और बायो एक्यूमुलेशन का ये बड़ा रूप है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन तो बस इंटर किया फूड चेन में, पर बायो मैग्निफिकेशन में जो पॉल्यूटेंट इंटर किया वो पॉल्यूटेंट प्रोड्यूसर से लेकर क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। प्रोड्यूसर में अगर उसका मतलब 10% है तो इसमें इसका आप सोचो कि इससे इसमें डबल हो जाएगा 20%, इसमें इससे डबल हो जाएगा 40%, इसमें इससे डबल हो जाएगा 60%, और इसमें ये फिर 80%, ऐसे ही होते होते अगर वो 100% तक कंसंट्रेट हो गया, मैंने एक एग्जांपल बताया है, तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा हानिकारक हमारे शरीर के लिए हो जाता है। इसलिए जब भी जानवरों में कोई महामारी फैलती है तो हम उसको रिसर्च करते हैं और उसके एंटीडोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानवरों से ये फिर इंसानों में भी फैलने लगता है। तो आप लोगों को बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दोनों को ड्राइव किया तो आप लोगों को पता चला होगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन है तो दोनों पॉल्यूशन ही, फूड चेन के पॉल्यूशन है, पर
ये कंसंट्रेट नहीं होता है और ये एक से दूसरे में जब ये ऊपर जाता है फूड चेन में, तो जैसे एनर्जी घटती जाती है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। हमने पिरामिड तो देखा ही था, एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है, क्योंकि आप सोचो कि अगर इसमें 100% एनर्जी है तो इसमें 10% होगी, इसमें अगर 100% है तो इसमें 10% होगी, इसमें 1% होगी और इसमें 0.1% होगी। ये ऐसे एनर्जी का पिरामिड ऐसे चलता है। अगर मान लीजिए कि हम बायो मैग्निफिकेशन का पिरामिड बनाएं कंसंट्रेशन का, कि पॉल्यूटेंट कैसे कंसंट्रेट होगी, तो इसमें आप समझ लो कि ये हमेशा पिरामिड इसका अपवर्ड नहीं इन्वर्ट बनेगा, क्योंकि इसमें आप सोचो कि इसमें अगर इस स्पीसीज में प्रोड्यूसर में इसका 10% है, 1% है, तो इसमें इसका 10% हो जाएगा और इसमें इसका 100% हो जाएगा, ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आप लोगों को बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के बीच का अंतर आई होप पता चल गया होगा। और इसी नोट के साथ मैं अपना क्लास आज का ख़त्म करती हूँ, ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को अगर कुछ और भी इसमें ऐड करना हो, कुछ और भी अगर जानकारी ऐड करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे मिस्टेक्स भी बता सकते हैं, आप आमंत्रित हो कुछ भी कमेंट करने के लिए। बस गलत कमेंट ना करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ Nice day, bye, and have a good day.